हेलो दोस्तों, CM5 वुड कटिंग मशीन, इसमें कटिंग में प्रॉब्लम होता है, ब्लेड प्ले नहीं है, तो फिर भी इसमें वाइब्रेशन क्यों होता है? तो जब आप घुमाओगे थोड़ा सा इसमें प्ले दिखाई देता है, तो इसमें गियर में थोड़ा आपको प्ले देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पैंडल होता है ना, स्पैंडल के साथ जो गियर फिटिंग होता है उसमें प्ले होता है। जब ऐसे चलाओगे आपको पता नहीं चलेगा मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। जब आप कटिंग करोगे तब उसमें वाइब्रेशन महसूस होगा, कटिंग बड़े से नहीं करेगा। तो ओपन करने के बाद हम आपको दिखा पाएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है। धीरे धीरे करके मशीन को हम ओपन करते हैं। अच्छे से आप नोटिस करना, इसमें आपको प्ले देखने को मिलते हैं। देखिए स्पैंडल गियर में थोड़ा प्ले है, तो प्ले रहने पर इसमें वाइब्रेशन होते हैं। आगे वाला जो बैरिंग है, छोटे वाले बैरिंग को हमें ओपन करना है। इसमें पुलर पकड़ नहीं पाओगे, आपको तोड़ के बाहर करना है पुलर की मदद से, नहीं तो दोनों स्क्रू ड्राइवर लेके धीरे से प्रेस करके ओपन करना है। ज़्यादा प्ले होने पर आप घुमा के भी ओपन कर सकते हो, थोड़ा प्ले रहने पर कूलर की मदद से आपको ओपन करना है। गियर ओपन हो गया। अब स्पैंडल ओपन करने के बाद आपको देखने को मिलते हैं इसमें गैप होने से, इसमें देखिए कलर थोड़ा चेंज लगते हैं, और जब बड़े से बैठते हैं ऐसे कलर नहीं होता है, इसमें थोड़ा गैप बन गया है। तो इसमें स्पैंडल हमें चेंज करना है। स्पैंडल ओपन करोगे तो आपको गड्ढे देखने को मिलते हैं। देखिए जो की है ना, दोनों साइड से कटिंग हो जाता है, तो कटिंग होने से गैप बनते हैं, गैप बनने से इसमें वाइब्रेशन होते हैं। तो आप इसको ठीक कैसे करते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं।
तो स्पैंडल आपको चेंज करना है, की भी चेंज करना है। में जितने भी पेयर पास है बारीकी से हमें चेकिंग करना है, सभी को धीरे धीरे करके ओपन करना है, सभी को अच्छे से चेक करना है। देखिए स्पैंडल मैंने बाहर किया है, बैरिंग इसमें प्ले नहीं है, इसमें दोनों बैरिंग में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें स्पैंडल है ना, स्पैंडल में थोड़ा गड्ढा हो गया, तो स्पैंडल को हमें ओपन करके चेंज करना है। स्पैंडल बड़े से ओपन हो गया। CM5 मशीन में 3 टाइप में स्पैंडल देखने को मिलते हैं। ये जो चाइनीज मशीन है इसमें जो स्पैंडल होता है ये भी 3 टाइप में देखने को मिलते हैं, 3 टाइप में। 3 टाइप क्या होता है, बॉस कंपनी मशीन में एक स्पैंडल होता है देखने में सेम है, उसमें क्या अंतर होता है, और एक मार्केट में स्पैंडल मिलते हैं तो क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिलते हैं, उसमें भी थोड़ा अंतर होता है। देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको प्ले देखने को मिलते हैं, तो नया जब इसमें डालेंगे इसमें प्ले आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें थोड़ा प्ले हुआ है, ऐसे ही चल रहेगा तो और भी थोड़ा प्ले हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। अभी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 टाइम में स्पैंडल लिए हैं, जो नए है ये जो नए लग रहा है ना ये चालू स्पैंडल है मार्केट में जो लो क्वालिटी वाला मिलते हैं, तो आगे और जो है ये तीनों इसमें बॉस कंपनी का है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है। देखिए बॉस कंपनी का स्पैंडल, दूसरे जो स्पैंडल है स्टैंडर्ड स्पैंडल है, और जो चालू है ना जो नया लग रहा है वो चालू है। तीनों स्पैंडल है ये दोनों ही बॉस कंपनी का मशीन में फिटिंग होते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसमें जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छे होता है, और इसको हम मशीन में फिटिंग नहीं कर पाएंगे। फिटिंग क्यों नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। ये तीनों जो स्पैंडल है CM5 मशीन में फिटिंग होते हैं, अलग अलग मॉडल में अलग अलग स्पैंडल फिटिंग होते हैं, जो बॉस कंपनी का स्पैंडल है हम फिटिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसमें जो आगे वाला एल नट लगते ना वो सेम है, ए बी वॉशर इसमें फिट नहीं बैठेगा। देखिए आपको इसमें पतले मोटे देखने को मिलते हैं, इसमें ए बी वॉशर फिट करेंगे ना उसमें आपको प्ले देखने को मिलते हैं। देखिए जो ओरिजिनल स्पैंडल है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे ना, इसमें आपको थोड़ा गैप देखने को मिलते हैं, तो गैप होने से उसमें टक्कर होगा, उसमें गियर और भी कटिंग हो जाएगा। तो दूसरे जो बॉस कंपनी का स्पैंडल है अलग मॉडल का, वो हम फिटिंग करेंगे ना तो बड़ी से फिटिंग हो जाएगा, उसमें जो क्या होता है अंदर जो ऑयल सील दिया है ना वो उसमें लॉक हो जाता है, तो मैंने पहले देखा नहीं था, मैंने सोचा था ये बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा, तो जो रियल में हुआ है आपके साथ शेयर करते। इसमें तो बढ़िया से फिट बैठ रहा है, मैंने सोचा ये तो सब कुछ ठीक है, कंपनी वाला स्पैंडल है, बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा, फिटिंग करके देखते हैं। को बैठा के देखा बढ़िया से बैठ रहा है, टाइट भी बैठ रहा है, उसमें प्ले नहीं है, तो फिटिंग कर लेते हैं।
हो जाने के बाद मैंने देखा इसमें तो घूम ही नहीं रहा है, इसमें जो ऑयल सील ना ऑयल सील था लॉक हो गया, तो फिर से हमें ओपन करना है। ओपन हो गया, इसमें जो ऑयल सील है उसको हम बाहर करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है हमें इसको चेक कर लेना है। तो ऑयल सील को हम बाहर करके स्पैंडल के अंदर डाल के देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इसको बैठा के देखा, उसमें अंदर जा नहीं रहा है। तो नहीं जाएंगे तो हम जो जबरदस्ती इसको डालेंगे ना उसमें लॉक हो जाएगा। इस मशीन में जो चाइनीज़ स्पैंडल फिटिंग होते हैं मार्केट में अवेलेबल होता है, वही स्पैंडल हम इसमें, नया जो स्पैंडल आपको दिखाया ये स्पैंडल बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा। इसमें हम ऑयल सील को डालते हैं तो बढ़िया से इसमें अंदर जा रहा है तो बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा। तो हाउसिंग में ऑयल सील डाल के स्पैंडल हम फिटिंग करते हैं, ये स्पैंडल भी इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, जल्दी डैमेज नहीं होते थे। तो हमें बढ़िया से फिटिंग करना है, जो इसमें बढ़िया से फिटिंग हो रहा है उसी को हमें फिट करना है। तो मैंने ABO सब डाल के भी देखा, बढ़िया से इसमें फिटिंग बैठ रहा है। तो धीरे धीरे हम इसको फिट कर लेते हैं। जैसे फिटिंग हो गया, इसमें की डाल के हम गियर को फिट कर लेते हैं।
में हम की भी फिटिंग कर लिए हैं। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा आपको प्ले देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा प्ले है, तो इसमें फेविक्विक डाल के आपको लॉक कर लेना है। प्ले रहने पर क्या होगा, उसमें जब भी चलेगा उसमें टक्कर होता रहेगा, टक्कर मारने से उसमें गैप बनेगा, गैप बनने से डैमेज होगा और वाइब्रेशन आपको होने लगते हैं। तो ये जो मशीन है इसमें ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, और केपीटी कंपनी का CM5 मशीन में सेम प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। CM5 केपीटी कंपनी का जो मशीन है उसमें जो स्पैंडल कंपनी ने तैयार किया है उसमें जो क्वालिटी ना बहुत ही लो क्वालिटी वाला स्पैंडल है। आप उसको फिटिंग करके चलाओगे ना, दो चार दिन चलेगा, उसके बाद क्या होगा फिर से ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको मार्केट में जो स्पैंडल मिलते हैं उसमें जो क्वालिटी ना बहुत ही अच्छे होता है। ये जो चाइनीज़ मशीन है जैसे एडवांस, ओग्नी, बहुत सारे ऐसे मशीन मिलते हैं, उसमें सेम ऐसे मशीन देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो स्पैंडल कंपनी का मिलते हैं ना, जो मार्केट में चालू मिलते हैं, बढ़िया से वर्क करते हैं, जल्दी डैमेज भी नहीं होता है। कंपनी मशीन मैंने में बहुत सारे रिपेयर किया, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मशीन ओपन करने के बाद मैंने देखा इसमें आर्मेचर फील्ड के साथ घर्षण हो रहा है, देखिए एक साइड से घर्षण हो रहा है। इसमें बैरिंग थोड़ा डैमेज हो गया है, थोड़ा प्ले आपको देखने को मिलेंगे तो आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें हाउसिंग भी प्ले है, तो नए बैरिंग हम चेंज करके फिटिंग करके आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा प्ले आपको देखने को मिलते हैं। जो CM5 मशीन है इसमें जो गियर फिटिंग होता है ना, गियर में आपको CM5 मशीन और एक टाइप में होता है जैसे KPT कंपनी मशीन में होते हैं, उसमें गियर के ऊपर नट लगते हैं, इसमें ऐसे नहीं होता है, तो इसी वजह से इसमें गियर प्ले थोड़ा हो जाता है। तो आपको कहाँ से ओपन करना है, यहाँ से टक्कर मार के ओपन नहीं करना, टूटने का डर होता है, साइड में आपको टक्कर मार के ओपन करना है। इसमें गियर ओपन हो गया, की भी बाहर हो गया, की भी कटिंग हो गया है, देखिए आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। देखिए दोनों साइड से इसमें कट हो गया है, तो की हम डाल के गियर डाल के आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें आपको थोड़ा प्ले देखने को मिलते हैं, देखिए इजी अंदर जा रहा है और इसमें आपको प्ले देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें नया की भी हमें फिटिंग करना है, इसमें फेविक्विक से रिपेयर करना है, इसमें नट रहेगा ना तो हम ओपन नहीं कर पाएंगे, बड़े से पकड़ के रहेगा। दूसरे जो टाइप होता है KPT कंपनी मशीन में फिटिंग होते हैं CM5 आर्मेचर, उसमें भी बढ़िया से फिटिंग हो जाते हैं। और एक चाइनीस मशीन मिलते हैं जिसे SB वाला गियर फिटिंग होता है, उसमें गियर का डैमेज प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलते हैं, आर्मेचर बढ़िया से फिटिंग रहते हैं, और उसमें आर्मेचर में जो गियर फिटिंग होता है ना वो भी बहुत अच्छे से वर्क करते, जल्दी डैमेज नहीं होता, वो तो बेस्ट मॉडल होता है। और दो मॉडल होता है, एक ए मॉडल और दूसरे होते हैं KPT वाला मॉडल। जो KPT वाला मॉडल है ना वो सबसे घटिया है, उसमें जल्दी जल्दी डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैंने बहुत सी वीडियो आपके साथ शेयर किया है। ये वाला मशीन फिर भी अच्छा है, रिपेयर तो हो जाता है, इसमें भी प्रॉब्लम होते हैं, तो रिपेयर होता है तो अच्छा है, रिपेयर नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम है। में दो नया बैरिंग फिटिंग करते हैं, बैरिंग का साइज है आगे वाला 6-9, पीछे वाला बैरिंग का साइज है 6-08। हाइड्रोलिक प्रेस में बैरिंग को हम फिटिंग करते हैं।
रिंग बढ़िया से फिटिंग हो गया है, बढ़िया से मूव कर रहा है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, इसमें जो नीचे वॉशर होता है ना, वॉशर बेयरिंग के साथ लॉक हो गया। तो आपको लगेंगे कैसे हम इसको ठीक कर पाएंगे, बढ़िया से मूव नहीं हो रहा है। तो वॉशर को आपको नीचे करना है, एक आपको ऐसे छुरी जैसा कुछ लेना है, तो उसको अंदर डाल के जो वॉशर है ना, वॉशर और बेयरिंग के बीच में आपको गैप बनाना है, घुमा घुमा के उसमें थोड़ा गैप बना लेना है। तो वॉशर थोड़ा नीचे हो जाएगा, बढ़िया से मूव करेगा। तो बढ़िया से आप बेयरिंग आपको घुमाओ ना, बढ़िया से घूमेगा, उसमें अटकेगा नहीं। तो आपको हर पार्ट को बारीकी से चेक करना है। तो इसमें नया की फिटिंग करते हैं। इसमें जो की है ना, CM4 जो मार्बल कटिंग मशीन में बड़े बड़े की डालते हैं, तो वो की इसमें फिट होते हैं। तो एक की इसमें बढ़िया से फिटिंग नहीं बैठेगा। क्यों? इसमें की जो है ना थोड़ा छोटे होता है, मार्केट में वो की तो नहीं मिलते हैं। तो ऑर्डर करना है, कहाँ मिलेंगे आपको पता नहीं है। तो कैसे आप जो बड़े की है कैसे फिटिंग करते हैं, मैं कैसे हर रोज़ काम करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। की को जो आर्मेचर है उसमें अंदर बैठा के मैंने ढूंढ लेते हैं, नहीं मिला, तो आपके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं। बहुत सारे की है मेरे पास, तो की को इसके साथ बैठा के फेवक्विक से चिपकाने के बाद काटिंग करके हम इसको एडजस्ट किए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं।
फिटिंग हो गया है। सेफ्टी के लिए हम फेविक्विक डाल लेते हैं। जब मैंने फेविक्विक डाला थोड़ा सा गलती हो गया, फेविक्विक थोड़ा ज़्यादा हो के बैरिंग के अंदर गिर गया, तो हमें घुमाते रहना है नहीं तो बैरिंग लॉक हो जाएगा, फिर से हमें ओपन करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। तो फेविक्विक लॉक ना हो इसीलिए हमें घुमा के उसको ठीक कर लेना है। तो बड़े से मूव करने से फेविक्विक चिपकेगा नहीं, बड़े से वर्क करेगा। फिर से हम थोड़ा फेविक्विक डाल लेते हैं। अच्छे से साफ करके बैरिंग फिटिंग करके देखते हैं, बैरिंग बड़े से फिटिंग हो रहा है, थोड़ा प्ले हो रहा है, तो डेंडाइट डाल के इसको हम फिटिंग करते हैं। अच्छे से होने के बाद बड़े से मूव करेगा, देखिए बड़े से मूव हो रहा है, मतलब फिटिंग बड़े से हो गया है। तो इसमें बैरिंग हमें फिटिंग करना है, तो बैरिंग थोड़ा टाइट रहेगा, नया स्पैंडल हम डाले हैं, हाली पेज में बैरिंग को हम फिटिंग करते हैं। के मैसन को हम चलाते हैं।
हो जाने के बाद आपको घुमा के भी चेक कर लेना है, बढ़िया से मूव करेगा। बढ़िया से नहीं मूव हो रहा है तो आप लकड़ी से टक्कर मार के उसको फ्री बना लेना। अभी बढ़िया से फ्री घूम रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा प्ले देखने को मिलते हैं, जो गियर में जोड़ा प्ले होता है ना, वो प्ले आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। कार्बन डाल के मशीन को हम चलाते हैं। मशीन जब भी चला रहे ना उसमें स्पार्क दे रहा है। स्पार्क देने का क्या कारण है? कार्बन हम घुमा के फिट कर दिया, उसको सही फिटिंग कर देंगे ना स्पार्क रुक जाएगा। मेरा स्पार्क दे रहा था, अभी थोड़ा कम हो गया, बड़े से चल भी रहा है। थोड़ा सा चलाने के बाद बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। हीट होने का क्या कारण है? ओपन करके हम चेक करते हैं। मशीन ओपन करने के बाद मैंने देखा जो छोटे वाले बैरिंग है ना उसके अंदर ग्रीस रह गया है। तो ग्रीस रहने पर उसमें बढ़िया से फिटिंग नहीं हो रहा। मैंने जब जबरदस्ती इसमें फिटिंग किया तब उसमें हीट हो रहा है। तो ग्रीस को साफ सफाई करके फिटिंग कर देंगे ना उसमें हीट रुक जाएगा।
मशीन बड़े से चल रहा है तो कटिंग करके भी देखना है, तो कटिंग कर लेते हैं।